वेदू आपको निन्नू आ रहा है। वेदू कैसे बंदर की तरह चिपकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे गले में मैंने आपको बताया था खिचखिच हो रही है और फीवर आ रहा है। कल रात भी मेरे को फीवर आया, तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आज बस अभी जा रहे हैं, शाम के टाइम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, रील्स बनाएंगे एक दो, और उसके बाद राजीव जी के पास जाना है जहाँ मैं डांस क्लासेस जाती हूँ, तो उसके जो ओनर है उनके पास जाना है कुछ मीटिंग करने के लिए। तो बस वहीं जा रहे हैं, आरव का वेट कर रही हूँ, आरव आ जाए फिर निकलते हैं। इतनी धूप गाइस, हम आ गए हैं। कृपा भी बोल रही थी आने के लिए, बट उसको इतनी नींद आ रही थी। मैंने उसको फ़ोन किया था 3:30 बजे, बट उसको इतनी नींद आ रही थी तो बोली कि मैं शायद थोड़ा लेट आ जाऊँ, तो तुम लोग चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग तो आ गए, पता नहीं कृपा आएगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता आएगी आज वो। अब नहीं आएगी। हाँ, तो उसको नींद आ गई, पर बोल रही थी क्लास जाने के लिए और मैं आज क्लास नहीं जाऊँगी, मेरा मूड नहीं है। तबला बजा रहा है यार, आज धूप बहुत हो रही है। एक्शन। अरे एक लड़के पे वो मरती थी। नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ। तो भाई एक रील बना ली है, ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस एक दो रील और बना के फिर चलते हैं। कृपा का भी फ़ोन आया था, तो पहले राजीव जी के यहाँ जाएंगे, उनसे थोड़ी बात बात करनी है, उसके बाद में फिर कृपा के पास जाएंगे, क्योंकि मिक्की जाएगा क्लास और मैं आज क्लास नहीं जाऊँगी, तो मैं जाऊँगी वेदू के पास उतनी देर। तो बस फटाफट यहाँ का काम निपटा के फिर चलते हैं। शूट वगैरह हो गया वहाँ का, अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो राजीव जी के पास, और कृपा का फ़ोन आया था, वो क्लास जा रही है, मतलब MMA वाली क्लास जा रही है, तो वो बोली कि तुम लोग उसी साइड आ रहे हो तो मुझसे मिल लेना, फिर लोखंड वाला चलेंगे, तो फिर मैं वहीं से उसको पिक करूँगी, उसके बाद मैं और कृपा शायद लोखंड वाला जाएंगे, ये अभी तक का प्लान है, बाकी देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो, राजीव सर अभी यहीं थे, ऊपर गए हैं, 5 मिनट बाद नीचे आएंगे, उनके साथ मीटिंग कंप्लीट करके देन फिर हम जाएंगे पार्क। कृपा लोग निकल गए, कृपा का अभी जस्ट फोन आया था कि मैं पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में, तो बस हम भी यहाँ से निपटा के फिर जाएंगे। मच्छर मार रहा है, देखो क्या कर रहा है आरव क्या कर रहा है पगलू। सही है। तो भाई स्टूडियो से निकल गए हैं और जा रहे हैं पार्क, कृपा वेट कर रही है बहुत देर से, लेट हो गया हमको। भाई इस लड़की ने प्रैंक किया, मेरा फोन ही गिरा दिया। मार के निकल तो भाई बेटी किसने पकड़ी है? कुणाल ने बेटी पकड़ी है, वो नहीं कर रहा। वाह, जब वो कर रहा हूँ। सही है भैया, वेदू को कुणाल ने पकड़ा हुआ है आज। कितना भागी था, है ना, मेरा बैग नहीं लाई, कहाँ है राजीव जी, क्यों ही रह गया। अरे यार ला दे प्लीज, अब मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, पागल है क्या। अरे मेरा बैग रह गया लेकिन वहाँ। हाँ तो जाते समय लेके चलना, कहाँ रखी थी। वही रखा था कुर्सी के बगल में, तो पागल है ना। इसने पानी मांगा तो याद आया। कितना चक्कर? 2 चक्कर मारे लड़की ने। ये पहला है। आदमी डंडा घुमा रहा है, एक बच्चा घुमा रहा है। क्या कर रहे हो भाई आप आज? ऐसे पटपटाती है ना मेरे को तो। कहीं ऐसे छुटक से छोड़ मत देना कहीं इधर को। मैंने प्रैंक किया गुंजे सा, प्रैक्टिस करना आ रहे हैं। कुणाल जोर लगा के हिसा, कम ऑन गाइस, वेदो आई ला बोल। वेदा बता दो, आपने एक्सरसाइज करी? हम लोग जा रहे हैं लोखंड वाला, हमने उठाया वेदू को, वेदू की माँ को, और अब हम जा रहे हैं लोखंड वाला, उसके बाद वहाँ से हम बाइक से जाएंगे, फिर राजीव जी के यहाँ, मेरी बॉटल छूट गई। अच्छा, लाइट तुम्हारे सर के ऊपर है। नहीं फोन की बात है, कोई बात नहीं।
देख रही हूँ क्या चलाया। ओ मेरे को वेदू, आपको निन्नू आ रहा है। वेदू कैसे बंदर की तरह चिपकी है। अभी जैसे कभी हमारा मन भी ना हो ना, वेदू के बहाने तुम कुछ भी बोल सकते हो, पता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो वेदा होगी ना, वेदा मिलेगी, ऐसा ऐसा फील आता है। इसके बहाने कुछ भी बोल सकते बेटा, मम्मी पापा कभी भी, ठीक है। तो हम आ गए लोखंडवाला, कृपा को अपने कुछ कपड़े ऑल्टर करवाने थे। वेदा हाय, हाय क्यूटी पाय, हाय क्यूटी पाय, हाय क्यूटी पाय। वेदा हाय, हमारे बच्चे को जगह मिल गई बैठने की। चाचू तो बैठ गया मस्त। मम्मी इधर सामान सही करवा रही है अपना। वेदा अभी करेगी, मस्त बैठे हैं लोग। वेदा वेदा वेदा, इसको गोल्डन कलर पसंद आया। इनमें से बताओ, इनमें से बताओ कौन सा ये वाला। ओके ये भी गोल्डन वाला है, ये भी गोल्डन ही है, इसको गोल्डन कलर ही पसंद आ रहा है। हाँ वेदू आपको गोल्डन ही पसंद आ रहा है सब जगह। ऊपर वाले में देखना, ऊपर वाले में बताओ, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में गोल्डन गोल्डन ये भी तीन चूज किए, तीनों गोल्डन। इसकी मम्मी ने इतना टाइम लगा रखा है, ठीक है। अभी साड़ी भूल गई, वापस साड़ी लेने गई है। बच्चे को देखो, बच्चे को देखो, बच्चे को। हाय वेदा, हाय। बुलु 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 मेरे साथ प्रैंक किया था और अभी वो आने वाली है, अभी उसके साथ प्रैंक करते हैं, ठीक है। क्या चाहिए इसको, लड़की को मेरे कानों के मुंह खींच दिए दो बार इसने। नहीं नहीं देखो देखो, नो देख, मम्मी आ गई, मम्मी कैसा डराया गूंज इसको। यार हम लोग कार के पीछे छुप गए। तो हम लोग लोखंडवाला से निकल गए थे, उसके बाद हमने पार्क के बाहर कृपा को छोड़ा, उसके बाद बॉटल वॉटल ली और वापस आ गए। और यहाँ रास्ते में हमें मिले गणपति जी, आज भी विसर्जन हो रहा है गणपति जी का। तो वापस आते आते अरब का मन कर गया आज फालूदा खाने का, तो उसने बोला चल फालूदा खा के आते हैं। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, अरब ही खाता है, तो उसने लिया है मैंगो फालूदा। तो इसने मैंगो फालूदा लिया है, मस्त। ऊपर से भी मैंगो आया है, ऊपर से भी मैंगो और नीचे से भी मैंगो। ऊपर से मैंगो, नीचे से मैंगो, मतलब ये भी मैंगो है ना। हाँ तो मैंगो फालूदा लिया ना मैंने, लिया है मैंगो फालूदा। देख खाले खाले, मैं नहीं खा रही, मेरे चखने में क्या जा रहा है। तारब ने फालूदा वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं आ गई घर, फिर मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना खा लिया है। तो अभी करूँगी इस व्लॉग को एडिट, और कल हमारा जी टॉक का शो भी है, तो इसलिए आज थोड़ा टाइम से सोना है, सुबह जल्दी भी उठना है। तो बस फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज वेव्स। थैंक यू सो मच, टाटा।